रिपोजिटरी ऑप्शंस के हवाले से काफ़ी क्वेरीज आती हैं कि वेदर वो हम स्टैंडर्ड पेपर रिपोजिटरी रखें या इंस्टीट्यूशन पेपर रिपोजिटरी रखें। ये टर्निटिन की वेबसाइट पे भी इसकी एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। ये जो ऑप्शनल सेटिंग्स होती हैं असाइनमेंट्स की या ओवरऑल जो अकाउंट की सेटिंग्स हैं, ये इंस्ट्रक्टर की डिस्क्रिप्शन है कि वो किस तरह उसको रखता है। ऑब्जेक्टिव क्या है रिपोजिटरी का, वो सिंपल है कि जो अपलोड डॉक्यूमेंट होता है उस डॉक्यूमेंट से सिमिलरिटी जहाँ जहाँ दोबारा वो चेक करने की कोई कोशिश करेगा, अपलोड करने की करेगा, तो वो पहले डॉक्यूमेंट से सिमिलरिटी शो करेगा। ये न सिर्फ प्लेजरिज्म को प्रिवेंट करने के लिए बल्कि जो कोल्यूजन डिटेक्शन है उसके लिए भी बड़ा इम्पॉर्टेंट वे है। तो रिपोजिटरी ऑप्शंस को अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स या रिपोर्ट्स या उनकी जो रिटर्न वर्क को अपलोड कर रहे होते हैं, तो बेहतर है कि रिपोजिटरी ऑप्शन को ऑन रखा जाए। अगर आप चाहते हैं कि ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट आप चेक कर रहे हैं एज ए इंस्ट्रक्टर और बाद में आप फाइनल डॉक्यूमेंट को रिपोजिटरी में रखना चाहेंगे, तो उसके मुताबिक आप डिफरेंट असाइनमेंट्स क्रिएट कर लें। ड्राफ्ट असाइनमेंट बन जाए उसमें आप रिपोजिटरी ऑप्शन नॉट रिपोजिटरी वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लें और बाद में जो फाइनल असाइनमेंट है उसको अपलोड करें। अपलोड हम इसलिए कह रहे होते हैं कि विद इन पाकिस्तान या बाहर कोई भी आपके काम को दोबारा रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा तो वो रिपोजिटरी में होने की वजह से पकड़ा जाएगा अगर वो सेम डॉक्यूमेंट किसी और ने अपलोड किया तो। तो ये रिपोजिटरी ऑप्शन जो है ये आप लोग एज ए इंस्ट्रक्टर खुद डिसाइड करेंगे कि वेदर इस डॉक्यूमेंट को रिपोजिटरी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वैसे जो प्रैक्टिस है यूनिवर्सिटीज़ में कि मोस्टली ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट को रिपोजिटरी में नहीं रखा जाता होता क्योंकि वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है जब थीसिस से पेपर सबमिट होता है, ये सिर्फ फाइनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने के वक्त इसको ऑन रखा जाए तो वो बेहतर होगा। वरना वेरीफाइबल कोई भी हो वो डॉक्यूमेंट अगर आपने पहले रिपोजिटरी में रख भी दिया है और अपलोड हो गया है तो दोबारा वो अपलोड होने से वेरीफाई हो सकता है कि ये पहले प्रीवियस डॉक्यूमेंट से सोर्स सिमिलरिटी शो कर रहा है या कहाँ से हो रहा है। तो अगेन जो भी टर्निटिन के सोर्सेज होते हैं वो वेरीफाइबल होते हैं, कोई ऐसा सोर्स नहीं होता जिसको हम वेरीफाई ना कर सकें। तो ये थी इस हवाले से जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन कि रिपोजिटरी ऑप्शन को ऑन रखा जाए या ना रखा जाए। इट्स डिस्क्रिशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, डिस्क्रिशन ऑफ द इंस्ट्रक्टर हु इज अपलोडिंग डॉक्यूमेंट।